now limiting reagent. This is very important part, limiting reagent. आपको पता है कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद वो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो पहला पॉइंट यही है कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे, पॉइंट नंबर वन। रिएक्टेंट रिएक्टेंट रिएक्ट्स टुगेदर एंड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। तो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे आपने देखा कि एक रिएक्शन है ए प्लस टू बी, यहां प्रोडक्ट आ रहा है सी प्लस थ्री डी। कोई भी एक रिएक्शन हो गई जिसमें ये वाले आपके हो गए रिएक्टेंट और सी और डी इज आर द प्रोडक्ट, सी एंड डी आर द प्रोडक्ट्स। अब कभी कभी रिएक्शन में क्या होता है, जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक तो पूरा खत्म हो जाता है और दूसरा बच जाता है, एक पूरा रिएक्ट हो जाता है और दूसरा खत्म हो जाता है। तो ऐसे केस में जो रिएक्टेंट पूरा खत्म हो गया उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, ये तब की बात है जब रिएक्टेंट जो है वो एक से ज्यादा है, क्योंकि एक जो होगा अकेला सिंगल, जैसे आप किसी सब्सटेंस को हीट कर रहा हो तो अकेला जो होता है वो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट ही मानते हैं। व्हेन मोर देन वन, जब एक से ज्यादा होगा तो व्हेन मोर देन वन more than one reactants react together, react together and after the reaction one reactant is completely, मतलब एक रिएक्टेंट पूरा खत्म हो गया, completely consume, पूरा खत्म हो गया, and another is left, then the reactant which is completely consumed is called limiting reagent, shortcut में हम लोग बोल देते हैं LR। और जो बच गया उसको हम लोग बोलते हैं that is in excess,
एंड द रिएक्टेंट विच इज लेफ्ट is said to be in excess, मतलब बच गया। तो अब बात आती है कि हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट को हम लोग कैसे पहचानेंगे, उसका क्या प्रोसीजर है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहले आपने लिखा स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट इज राइट अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन, अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन को लिख देंगे पहले। जैसे आप सपोज करो एक रिएक्शन कुछ है ए प्लस बी प्लस सी गिव्स डी प्लस ई प्लस एफ, ये कोई रिएक्शन है जो बैलेंस नहीं है। आप पहचान सकते हो कि कौन बैलेंस है कौन नहीं है। फिर स्टेप टू, यदि बैलेंस है तो ठीक है, अदरवाइज आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन को बैलेंस करो। जैसे आपने लिखा कि हमारा रिएक्शन था ए प्लस बी प्लस सी गिव्स डी प्लस ई प्लस एफ। जब हम इसको बैलेंस कर रहे हैं तो आपने मान लिया कि यहां पर ए स्मॉल ए लगाया, स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल ई एंड स्मॉल एफ, ये आपने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। ये ए बी सी डी कुछ वैल्यूज होंगी, टू है थ्री है फोर है, इस टाइप से कोई वैल्यू होगी तो बैलेंस कर दिया। यहां पर हम लोग बोलते हैं कि ए बी सी डी ई एंड एफ आर बैलेंसिंग कोफिशिएंट, आई बी सी आर, ये सारी चीज बैलेंसिंग कोफिशिएंट, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टोकियोमेट्रिक मोल्स। अब थर्ड स्टेप, स्टेप थ्री, बैलेंस करने के बाद हम लोग लगा देंगे स्टोकियोमेट्रिक मोल्स आगे। एक होता है रियल मोल्स जो हमको वेट से निकालना पड़ता है या डायरेक्ट गिवन होता है, या फिर ऐसे केस में क्या होता है कि आपको वॉल्यूम दे देगा गैस का, तो वॉल्यूम अपॉन 22.4, या प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उससे हम लोग मोल निकाल लेते। तो आप क्या करेंगे कि इक्वेशन लिखेंगे ए टाइम्स ए बी टाइम्स बी प्लस सी टाइम्स सी गिव्स डी टाइम्स डी प्लस ई टाइम्स स्मॉल ई एंड एफ टाइम्स स्मॉल एफ। और जो रियल मोल्स हैं, मान लीजिए इसका मोल आपको ए वन दे रखा है, ए टू दे रखा है, और ये आपका ए थ्री दे रखा है, या हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, दे रखा है या फिर इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे,
लेकिन रिएक्शन शुरू होने से पहले यहां पर कोई कुछ नहीं बना होगा, मान लिया हम लोगों ने सभी जीरो। कुछ केसेस ऐसे आते हैं कि पहले से पड़े रहते हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब आपने क्या करा कि दो टाइप के आपके पास मोल्स हो गए, एक मोल्स हो गया स्टोकियोमेट्रिक मोल्स, एक मोल आपके पास हो गया स्टोकियोमेट्रिक मोल्स, जो हमारा क्या है, इट इज ए बी सी डी ई एंड एफ, और एक टर्म हो गई हमारे पास रियल मोल्स, जो आपको क्वेश्चन में देना पड़ेगा, क्वेश्चन में गिवेन होगा, ये आर रियल मोल्स ए वन ए टू एंड ए थ्री। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेशियो लेंगे, आपको एक रेशियो चेक करना है। एक आपने रेशियो, इसको हम एक नाम दे देते हैं, सपोज म्यू, जो रेशियो होगा, दिस रेशियो इज रियल मोल्स अपॉन बैलेंसिंग कोफिशिएंट या फिर स्टोकियोमेट्रिक मोल्स, इसका रेशियो निकालेंगे। ये रेशियो जो निकलेगा, दिस रेशियो इज फॉर रिएक्टेंट्स, ये रेशियो आप रिएक्टेंट्स के लिए निकालोगे। और रेशियो निकालने के बाद हम चेक करेंगे किस रेशियो की वैल्यू सबसे कम है, सबसे कम इन द सेंस, इस रेशियो को निकालने के लिए आपने यहां पर करा वैल्यू पहले ए बी सी, ए के लिए वैल्यू हमारी हो जाएगी ए वन बाई ए, बी के लिए हमारी वैल्यू हो जाएगी ए टू अपॉन बी, और सी के लिए हमारी वैल्यू हो जाएगी ए थ्री अपॉन सी। सिर्फ रिएक्टेंट के लिए निकालोगे, मान लीजिए आपने ये वैल्यू निकाली और इस वैल्यू में आपने चेक करा, इसका वैल्यू सबसे ज्यादा, इसका वैल्यू सबसे ज्यादा, एक ज्यादा दूसरा उससे कम और तीसरा और कम, तो ये वाली वैल्यू जो हो गई रेशियो की, दिस वैल्यू सपोज मिनिमम है और ये वाली वैल्यू हमारी मैक्सिमम है, मिनिमम है और मैक्सिमम है। जो मिनिमम वैल्यू होती है वो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करती है, तो यहां पर इस रेशियो के हिसाब से जो मिनिमम वैल्यू आई, देखें आप इसको, रेशियो के हिसाब से ये वाली वैल्यू हमारी मिनिमम आई, जो कोफिशियंट हमने बोला आपको म्यू, तो इसके हिसाब से हमारा लिमिटिंग रिएजेंट तो सी हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट इज सी। इसका मतलब जब रिएक्शन चलेगी और कंप्लीट हो जाएगी तो सी तो पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन ए बच जाएगा और बी बच जाएगा। जो पूरा खत्म हो जाता है उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, जो पूरा खत्म हो जाता है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। अब पता करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट यदि पूरा रिएक्ट कर गया तो हमारे पास कितने मोल ए के बच गए और कितने मोल बी के बच गए। इसको आप देखो, रिएक्शन के अंदर कुछ रिलेशन होता है, रिलेशन के हिसाब से हम बोलेंगे स्मॉल ए मोल्स ऑफ कैपिटल ए, इसका ए मोल इसके बी मोल से रिएक्ट करता है और इसका बी मोल इसके सी मोल से रिएक्ट करता है, और ये तीनों आपस में रिएक्ट करके डी मोल डी का बनाते हैं, ई मोल ई का बनाते हैं और एफ मोल एफ का बनाते हैं, एफ मोल एफ का बनाते हैं। अब आप इसके अंदर थोड़ा ध्यान दो, हम एक रिलेशन लिख लेते हैं, वो रिलेशन कुछ ऐसा होगा कि जो हमारी इक्वेशन में जैसा लिखा है वैसा ही होगा। इसको हम बोलेंगे स्मॉल ए मोल्स ऑफ कैपिटल ए,
रिएक्ट कर रहा है या इक्वलेंट है स्मॉल बी मोल्स ऑफ बी, ये इक्वल रिएक्शन को देखो उसी हिसाब से लिख दो, दिस इज इक्वलेंट टू सी मोल्स ऑफ सी। रिएक्टेंट तो रिएक्ट करते हैं लेकिन प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो बनेगा वो सेम स्टोकोमेट्रिक रेशियो में बनते हैं। तो इसको आप फिर से इक्वलेंस का साइन लगाया, दिस इज स्मॉल डी मोल्स ऑफ डी स्मॉल ई मोल्स ऑफ ई एंड दिस इज स्मॉल एफ मोल्स ऑफ एफ। जैसा रिएक्शन में दिया हुआ है हमने वैसा ही एक रिलेशन लिख दिया, जैसा हमको दिया हुआ है वैसा ही हमने इसको लिख दिया। लेकिन अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या था, सबसे पहली बात ध्यान रखना कि ये वाले ए बी और सी ये तो हमारे रिएक्टेंट्स हैं और डी ई एंड एफ आर प्रोडक्ट्स, डी ई एफ आर प्रोडक्ट्स। लिमिटिंग रिएजेंट कौन था, सी था, सी इज द लिमिटिंग रिएजेंट। जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसको हम वन मोल बना लेते हैं, वन मोल देख सकते हो आप यहां पर ये कितने मोल दिया हुआ है, सी मोल, सी मोल लिमिटिंग रिएजेंट दिया हुआ है। इस सी को हमें एक मोल बनाना है, वन मोल, इसलिए हम पूरी इक्वेशन को सी से डिवाइड कर देंगे, सी से। तो ए बाई सी moles of A, this is B by C moles of B, one moles of C, one mole of C, one mole बना लिया, this is equivalent to D by C moles of D, E by C moles of E and F by C moles of F, one mole। limiting reagent को हम लोगों ने one mole बना लिया। now अब लिमिटिंग रिएजेंट के जो एक्चुअल मोल थे उस पर हमारी नजर जानी चाहिए। तो लिमिटिंग रिएजेंट के जो एक्चुअल मोल थे वो ए थ्री थे, और लिमिटिंग रिएजेंट तो पूरा ही खत्म हो जाता है, इसका मतलब ए थ्री पूरा खत्म होगा, ए थ्री मोल पूरा खत्म होगा। एंड रिमेंबर दिस रेशियो इज टेकन ओनली टू वेरीफाई, इस रेशियो को हम लोग लेते हैं सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट को पता करने के लिए, उसके बाद फिर इसका कोई काम नहीं, इसका काम खत्म, इसका फिर कोई काम नहीं, इसका काम खत्म हो जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट के जो मोल लगे दोज मोल्स आर ए थ्री। तो यहां पर आपको जहां वन मोल है इस वन मोल की जगह ए थ्री लाना है। यदि ए थ्री लाना है तो आप सोच सकते हो कि हम ए थ्री का वन मोल सी है, इसमें ए थ्री लाना है, ए थ्री लाना है तो पूरी इक्वेशन में ए थ्री का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा ए अपाई सी इंटू ए थ्री मोल्स ऑफ ए, दिस इज बी ए थ्री बाई सी मोल्स ऑफ बी, दिस इज ए थ्री मोल ऑफ सी, डी ए थ्री डी ए थ्री बाई सी मोल ऑफ डी
This is EA3 by C mole of F. This is FA3 by C mole of F. सिंपल. तो हमने क्या करा, लिमिटिंग रिएजेंट का सिंपल एक रिलेशन लिखा. देख सकते हो लिमिटिंग रिएजेंट का इक्वेशन के साथ में एक रिलेशन लिखा. रिलेशन लिखने के बाद यहां पर जो तुम्हारा C था, इस C को हम लोगों ने 1 मोल में कन्वर्ट कर लिया. तो पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड करा किससे, C से. डिवाइड करने के बाद हमारी दूसरी टाइप की इक्वेशन, एक रिलेशन जनरेट हो गया. फिर हम लोग चेक करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट के एक्चुअल मोल कितने थे. एक्चुअल मोल लिमिटिंग रिएजेंट के कितने थे, A3 थे. तो फिर आप इसको क्या करोगे कि यहां से 1 मोल की जगह हमको फिर A3 लाना है. A3 लाना है तो A3 से हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ गेम इज ओवर. अब बहुत सिंपल है और इसमें आप देखो कि हम इस रिएक्शन को लिए लेते हैं जो आपने ये वाली रिलेशन लिखा था. इस रिएक्शन को आपने दोबारा लिखा. नंबर ऑफ मोल्स जो थे एक्चुअल मोल्स, इसका A1 था, दिस इज A2 था एंड दिस इज A3, और शुरू में ये 0, 0 एंड 0, 0, 0 एंड 0. लिमिटिंग रिएजेंट जो था वो नहीं बचेगा, वो तो पूरा खत्म हो जाएगा. तो इसको हम लिख देंगे ये A3 था और A3 रिएक्ट हो गया तो बचा कितना, दिस इज 0, 0. लेकिन ये वाला मोल A1 था, यदि इसका A3 रिएक्ट हो रहा है तो A का कितना होगा, A बाई C इंटू A3. सो माइनस A बाई A3 बाई C, इतना बचेगा. B का जो होगा, ये शुरू में A2 था, सो A2 माइनस B A3 बाई C. डी कितना बनेगा, ये बनेगा, यहां देख सकते हो कि कितना बनेगा. तो डी A3 बाई सी बनेगा, दिस इज ई A3 बाई सी बनेगा, दिस इज एफ A3 बाई सी बनेगा. तो ऐसे आप पता कर लोगे कि कितना रिएक्टेंट बचा, कौन सा रिएक्टेंट बचा, प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट के मोल्स कितने बने. और आपको ध्यान रहे कि लिमिटिंग रिएजेंट एक से ज्यादा भी हो सकता है. हो सकता कि कुछ ऐसा मोल होता कि इन सभी का, कि यहां देखें आप कि इनका रेशियो सबका यदि बराबर हो जाता, सबका बराबर रेशियो हो जाता तो सभी उस टाइम पर लिमिटिंग रिएजेंट हो जाते, सभी उसमें लिमिटिंग रिएजेंट हो जाते. इसको आप देख लो एक बार, वेरीफाई कर लो, उसके बाद हम लोग इस प्रोसीजर को एक बार और रिपीट करते हैं. ये प्रोसीजर को हम रिपीट कर रहे हैं. रिपीट इन द सेंस, मान लीजिए एक रिएक्शन दिया हुआ है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी. ये पहले तो ये रिएक्शन जो है बैलेंस नहीं है. जब आपने इसको बैलेंस करा तो यहां ए लगा दिया, इसमें बी लगा दिया, ये आपने एक्स लगा दिया और ये वाई. अब ये बैलेंस हो गई. तो ये जो मोल्स लिखे हुए हैं ए बी एक्स एंड वाई, ये वाले मोल ए बी एक्स एंड वाई, ए बी एक्स एंड वाई, ये हमारे बैलेंसिंग कोफिशिएंट हो गए, ये हमारे बैलेंसिंग कोफिशिएंट हो गए.
या फिर इसी को हम स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट बोलते हैं, लेकिन जो मोल है इसका सपोज करो कि मोल आपने कुछ एम ले लिया और इसका एन ले लिया, शुरू में ये जीरो जीरो रहे होंगे, तो एम और एन जो है दे आर द रियल मोल्स। वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट से निकलेगा, वॉल्यूम बाय 22.4 गैस के लिए एसटीपी पर, या मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, इससे निकलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, चेक लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट सिर्फ क्या रिएक्टेंट के लिए ही चेक होता है। तो यहां पर रेशियो लोगे रियल मोल्स अपॉन कोफिशिएंट, दिस इज एन बाई बी। निकालने के बाद मान लीजिए आपका ये वाला वैल्यू ज्यादा आ गया, यदि ये वैल्यू ज्यादा आ गया तो मिनिमम वैल्यू जो दो है वो बी के लिए हुई, तो हम बोल देंगे कि बी जो है इट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ये रेशियो सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट को चेक करने के लिए यूज करेंगे। अब बात आती है कि कौन कितना बचा और कौन कितना बना रिएक्शन के बाद, तो ऐसे में फिर से हम लोग क्या रिलेशन लिखेंगे, ए मोल्स इसका, बी मोल इसके साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद एक्स मोल सी का बनता है और वाई मोल डी का बनता है। तो रिलेशन लिख दो, स्मॉल ए मोल्स ऑफ ए, दिस इज स्मॉल बी मोल्स ऑफ बी, एक्स मोल्स ऑफ सी, वाई मोल्स ऑफ डी, वाई मोल्स ऑफ डी। इसको लिखने के बाद जैसे आपने ये रिलेशन लिख दिया, इसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट हमारा बी था, लिमिटिंग रिएजेंट को कितने मोल बना लेंगे, एक मोल। लिमिटिंग रिएजेंट को एक मोल बनाने के लिए देखें आपकी यहां बी मोल्स हैं, इसलिए पूरी इक्वेशन को आप बी से डिवाइड कर दो, तो ये हमारा हो जाएगा ए अपॉन बी मोल्स ऑफ ए, दिस इज इक्वलेंट टू वन मोल ऑफ बी, दिस इज एक्स अपॉन बी मोल्स ऑफ सी, दिस इज वाई अपॉन बी मोल्स ऑफ डी। तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट को आपने वन मोल बनाया, वन मोल बनाने के बाद देखो कि लिमिटिंग रिएजेंट के असली मोल कितने दिख रहे हैं, असली मोल तो एन है, लिमिटिंग रिएजेंट के जो ओरिजिनल मोल है दैट इज एन, तो यहां हमको एन लाना है। यदि एन लाना है तो एन का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ए अपॉन बी, सॉरी दिस इज द एन लाना है तो ए अपॉन बी इंटू एन मोल ऑफ ए, दिस इज एन मोल्स ऑफ बी, दिस इज एक्स एन अपॉन बी मोल्स ऑफ सी, दिस इज वाई एन अपॉन बी मोल्स ऑफ डी। Now this is complete. अब रिएक्शन को हम फिर से दोबारा लिख लेते हैं, कौन कितना रिएक्ट करा कौन कितना बचा, तो ए टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स बी, एक्स टाइम्स सी, वाई टाइम्स डी। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स जो थे वो नंबर ऑफ मोल्स किसके कितने थे, ये वाला आपका m था, ये n था,
दिस इज जीरो एंड दिस इज जीरो. लिमिटिंग रिएजेंट तो पूरा रिएक्ट हो जाता है, दिस इज एन माइनस एन इज इक्वल टू जीरो. लेकिन ए का कैप एम मोल था, रिएक्ट कर गया कितना, ए एन बाई बी, तो माइनस ए एन बाई बी ये बना. तो जब बनेगा तो एक्स एन बाई बी एंड दिस इज वाई एन बाई बी. ये तो क्या मेथड हुआ जो आप लिख के रिप्रेजेंट करते हो, बट दीज आर द यूनिटरी मेथड्स. यूनिटरी मेथड्स हैं तो यूनिटरी मेथड्स को आप मैनुअली भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. जैसे देख सकते हो आप कि रिलेशन इसका बी मोल इसका एक्स मोल बनाता है, तो वन मोल कितना बनाएगा, वन मोल बनाएगा एक्स बाई बी. तो एन मोल से कितना बनेगा, एक्स एन बाई बी. ठीक. अब मान लीजिए आपको बी को डी से रिलेट करना है, बी को डी से रिलेट करना है, तो इसका बी मोल इसका वाई मोल बनाता है, तो इसका वन मोल, वन मोल बी का कितना बनाएगा, डी का कितना बनाएगा, वाई अपॉन बी. तो एन मोल कितना बनाएगा, वाई एन बाई बी. सिंपल. अब मान लीजिए इन दोनों में आपको कुछ रिलेशन डिफाइन करना है, ए और बी में, तो आप लिमिटिंग रीजेंट को प्रेफरेंस दोगे, क्योंकि जो भी बनना है वो लिमिटिंग रीजेंट के हिसाब से बनना है. तो बी मोल, बी मोल इसका एक ए मोल बनाता है, तो वन कितना, सॉरी बी मोल ए से रिएक्ट करता है, तो वन मोल कितने से रिएक्ट करेगा, ए बाई बी. वन मोल रिएक्ट करेगा ए बाई बी, तो एन मोल कितने से रिएक्ट होगा, ए एन बाई बी से. सिंपल. इट इज वेरी सिंपल. अब इसको हम लोग क्या एक एग्जांपल से देखते हैं. अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए आपने रिएक्शन लिखा ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी. दिस इज इंपॉर्टेंट. अनबैलेंस है, आपने इसको बैलेंस करा पहले, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी. जो रियल मोल्स हैं वो ए का एम है, बी का पी है, ये जीरो एंड दिस इज जीरो. तो यदि हमको ये दोनों ही खत्म करने हैं, यदि हमको ये दोनों ही रिएक्टेंट खत्म करने हैं, तो इन दोनों के म्यू बराबर होने चाहिए, इन दोनों के रेशियो बराबर होने चाहिए. मतलब एम बाई ए इज इक्वल टू पी बाई बी. यदि ये रेशियो दोनों बराबर हो गए, देन बोथ ए एंड बी आर लिमिटिंग रिएजेंट. ए एंड बी बोथ आर लिमिटिंग रिएजेंट. ए एंड बी बोथ आर लिमिटिंग रिएजेंट. अब इस पर बेस जो एग्जाम्पल है, हम लोग एक एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल करके देखते हैं. उन एग्जाम्पल को आप समझना. एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, उस क्वेश्चन से आपको ज्यादा क्लियर होगा. फर्स्ट क्वेश्चन, कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर. तो पहले नॉर्मली हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन. प्रोपेन reacts with O2
to produce CO2 gas and H2O liquid. जो हाइड्रोकार्बन का हम लोग कंबशन करते हैं उसके लिए एक डिवाइस होती है, दैट इज कॉल्ड बॉम्ब कैलोरीमीटर. जनरली बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर हम लोग हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं, और ध्यान रखना कि बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर जो हाइड्रोकार्बन होता है इट इज बर्न्ड इलेक्ट्रिकली. इलेक्ट्रिकली हम लोग उसको बर्न करते हैं. इफ 5 moles ऑफ propane is mixed with 6 moles of O2, then find out first part. What is limiting reagent? Number 2, moles of each reactant and product left after the completion of reaction, after the completion of reaction. ये दो चीज हमको निकालनी है. तो आप देखो इसको हम लोग कैसे इसको डिफाइन करना है. पहली बात आती है कि हम रिएक्शन लिखेंगे. रिएक्शन लिखोगे तो प्रोपेन, प्रोपेन इज व्हाट, इट इज C3H8. प्रोपेन का ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ O2, प्रोडक्ट CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड. सबसे पहला काम तुम रिएक्शन को बैलेंस करोगे. यदि रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे तो C3H8 है, सो दिस इज 3 times ऑफ CO2 and this is 4 times of H2O, so 5 O2. ये हमने बैलेंस कर दी. तो जो स्टोकोमेट्रिक कोफिशियंट हुए दैट इज 1, 5, 3 and 4. लेकिन जो रियल मोल्स हैं वो आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, हमने आपको बोला. तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 5 moles प्रोपेन का ऑक्सीजन के 6 mole के साथ मिक्स हो रहा है. शुरू में तो कोई रिएक्शन जब नहीं होगी तो दोनों 0-0 होंगे. तो अब इसके अंदर बहुत सिंपल है कि हम पहले लिमिटिंग रिएजेंट को चेक करें. लिमिटिंग रिएजेंट को जब आप चेक करोगे तो रेशियो लो, रियल मोल्स अपॉन, देख सकते हो कि 5/1 एंड दिस इज 6/5. दोनों को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया. दोनों को डिवाइड करके चेक करा मिनिमम वैल्यू किसकी, मिनिमम वैल्यू इज 6/5. ये मिनिमम वैल्यू हुई. तो मिनिमम वैल्यू इज फॉर लिमिटिंग रिएजेंट. तो हम लोग क्वेश्चन के अंदर बोल सकते हैं कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है दैट इज द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज LR. LR स्टैंड्स फॉर लिमिटिंग रिएजेंट. अब इसके बाद जब चेक कर लिया तो उसके बाद तो हमको सिर्फ रिलेशन लिखना है. रिलेशन हो गया हमारा 1 mole ऑफ प्रोपेन C3H8. 1 mole ऑफ प्रोपेन equivalent to 5 mole of O2, then 3 mole of CO2 and 4 mole of H2O. ये हमने relation लिख दिया. relation लिखने के बाद limiting reagent जो था उसको 1 mole बनाना है. यहां पर आपको 5 मोल दिए हुए हैं, तो पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो.
1 by 5 mole of C3H8. This is 1 mole of oxygen. This is 3 by 5 mole of CO2. This is 4 upon 5 mole of H2O. मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इसके बाद ऑक्सीजन के जो एक्चुअल मोल है वो कितने हैं? 6 हैं। तो यहां 1 है, 5 से आप 1 पर आने के लिए इसको 5 से डिवाइड करा। यहां से 1 मोल की जगह हमको लाना है 6 मोल, तो हम इस इनटू 6 कर देंगे, मतलब पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6/5 मोल ऑफ C3H8। दिस इज 6 मोल ऑफ O2, दिस इज 3/5 इंटू 6 मोल ऑफ CO2 एंड दिस इज 4/5 इंटू 6 मोल ऑफ H2। तो क्वेश्चन का जो दो पार्ट थे, व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट का आंसर हमारा हो गया ऑक्सीजन। मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लेफ्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, तो ये बहुत आसानी से निकल गया। अब आप क्या करोगे, फिर से सेम इक्वेशन लिखोगे, C3H8 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, बैलेंसिंग आपने इसमें लगा दी थी 1/5, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो आप देखो कि लिमिटिंग रिएजेंट तो ऑक्सीजन था, तो ये बचेगा शुरू में कितना था ऑक्सीजन, शुरू वाला लिख लो 5 और 6, ये 5 एंड दिस इज 6, 0 एंड 0। जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद दिस इज 6 - 6 इज इक्वल टू 0, 6 - 6 इज इक्वल टू 0। इसके बाद जब ऑक्सीजन का 6 मोल रिएक्ट हुआ तो प्रोपेन का 6/5, सो दिस इज 5 - 6/5, इतना बच जाएगा, इतना मोल प्रोपेन का बच जाएगा। CO2 का जो बनेगा इट इज 3/5 इंटू 6, दिस इज 4/5 इंटू 6। तो ये वाले आपके बाकी के आंसर्स हो गए, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, दीज आर द आंसर्स। आपसे बोले मोल ऑफ प्रोपेन C3H8 लेफ्ट, दिस इज 5 - 6/5, मोल ऑफ O2 लेफ्ट 0, लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा कितना बचता है 0। इसके बाद मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड दिस इज 3/5 इंटू 6 एंड मोल ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड 4/5 इंटू 6। नाउ इट इज सिंपल। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, और इसके हम लोग काफी एग्जांपल्स करेंगे अभी, और वो एग्जांपल्स सिंपल नहीं होंगे, इट इज ए कंपेरेटिवली टफ, लेकिन आपको बेसिक्स पर ही चलना है, हम आपको और भी मेथड्स बताएंगे। तो एक टाइप का क्वेश्चन तो ये हो गया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन था, कौन कितना बचा आफ्टर द रिएक्शन, और इसमें एक दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है उसको समझो आप। यहां हम लिख रहे हैं कि व्हाट वेट ऑफ प्रोपेन,
what weight of propane reacts completely with gram of oxygen to produce CO2 gas and H2O liquid. CO2 gas and H2O liquid. अब इसमें क्वेश्चन में बोला है कि C3H8 का रिएक्शन O2 के साथ हुआ, प्रोडक्ट हमारा CO2 आया और H2O. आपने वैसे ही बैलेंस कर दिया जैसे पहले कर रहे थे, तो ये 5, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. आपको वेट निकालना है. वेट से पहले, वेट तो मोल से आ सकता है. ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस प्रोपेन को कितना लें कि 80 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो पूरी रिएक्ट हो जाए. मतलब रिएक्शन होने के बाद ना तो प्रोपेन बचे ना ऑक्सीजन बचे, ना प्रोपेन बचे ना ऑक्सीजन बचे. मींस बोथ रिएक्टेंट आर कंप्लीटली कंज्यूम एंड द एंटायर रिएक्टेंट इज कंप्लीटली ट्रांसफर्ड इन CO2 एंड वाटर. तो यहां देखें आप, ये 1 एंड दिस इज 5. हम थोड़ी देर के लिए माने लेते हैं या मोल निकाल लेते हैं. मोल ऑफ प्रोपेन C3H8, ये हमने मान लिया N1 है. तो मोल इज व्हाट? इट इज वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, और वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ प्रोपेन. सो इट इज 12 × 3 = 36 प्लस 8 = 44. एंड मोल ऑफ ऑक्सीजन, रिमेंबर डोंट कंफ्यूज, 5 इज द स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट. सो इट इज 80 / ऑक्सीजन = 32. सो 80/32, दिस वैल्यू इज कमिंग टू बी 2.5. दिस वैल्यू इज 2.5. दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट होने चाहिए. तो हम लोग यहां पर प्रोपेन का मोल हमने N1 लिया, तो दिस इज N1, और ऑक्सीजन का जो मोल था अब 80 ग्राम के हिसाब से ये हमारा आ चुका है 2.5. सो N1/1, और इसके जो लिमिटिंग रिएजेंट की हम लोग लिए कोफिशिएंट म्यू निकालते थे, N1/1 और मोल ऑक्सीजन के लिए 2.5/5, ये दोनों वैल्यू बराबर होने चाहिए. तो N1 का जो वैल्यू हो गया, दिस वैल्यू इज, देख सकते हो N1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इज 0.05. N1 आपने यहां कैलकुलेट कर लिया. अब इस N1 को यहां फीड करके वेट निकालो, इसका वैल्यू 0.5. So weight is equal to, weight of C3H8 is equal to how much? It is 0.5 × 44. So 22 grams. इसका मतलब ये हुआ, यदि हम प्रोपेन के 22 ग्राम ले लें तो ऑक्सीजन के पूरे 80 ग्राम जो है वो कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएगा. रिएक्शन के बाद कुछ नहीं बचेगा. इसके बाद देखें आपकी एक हमें एग्जाम्पल और आपको बताते हैं.
लिखे आप कि मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स मेटल ऑक्साइड CO2, मेटल ऑक्साइड CO2 एंड वाटर. इफ 100 ग्राम NaHCO3 इज हीटेड देन व्हाट, देन कैलकुलेट, देन कैलकुलेट, देन कैलकुलेट. नंबर वन, व्हाट इज द वेट ऑफ Na2CO3 प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द वेट ऑफ Na2CO3 प्रोड्यूस्ड. नंबर टू, व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 कलेक्टेड एट STP गैस. और थर्ड पार्ट इसमें आपको निकालना है, व्हाट इज द वेट ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड. ये बहुत सिंपल है. अब रिएक्शन के हिसाब से देखो, मेटल का बाइकार्बोनेट मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने हीट करा तो ये देगा Na2CO3, क्योंकि हमको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है, साथ में H2O प्लस CO2. रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर दिया. इसके बाद 100 ग्राम दे रखा है. हमको मालूम है रिएक्शन जो होता है मोल में चलती है, तो फॉर्मूला वेट ऑफ NaHCO3, सोडियम 23 प्लस 1 प्लस कार्बन इज 12 प्लस ऑक्सीजन 3 × 16, सो दिस इज 84. तो मोल ऑफ NaHCO3 कितना हो गया, मोल ऑफ NaHCO3 कितना हो गया, दिस इज 100/84. ये हमारा 100/84 हो गया. अब समझो आप इसको, रिलेशन लिखे देते हैं. अकेला रिएक्टेंट हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट होता है, तो रिलेशन लिखे 2 moles ऑफ NaHCO3 गिव्स की जगह आप वही रिलेशन लगाओ जो हमने लगाया था अभी, सिर्फ लिखा नहीं है जैसा हम लोग इंग्लिश में लिख रहे थे कि 2 moles ऑफ NaHCO3 दिस इज 1 mole ऑफ Na2CO3, दिस इज 1 mole ऑफ H2O, दिस इज 1 mole ऑफ CO2. वन मोल ऑफ, ये रिलेशन लिख लिया. अब इसके बाद जो अकेला है वो हमेशा लिमिटिंग है, तो इसको 1 बना लो. सो NaHCO3 1 बनाया तो ये हो जाएगा 1/2. पूरी क्वेश्चन को 2 से डिवाइड करोगे, 1/2 मोल ऑफ Na2CO3, दिस इज 1/2 मोल ऑफ H2O एंड दिस इज 1/2 मोल ऑफ CO2. जो एक्चुअल मोल था तुमने निकाला, दिट इज 100/84. NaHCO3 के मोल कितने थे, 100/84.
तो यहां वन मोल है, वन की जगह 100/84 लेके आना है. सो 100/84 ऑफ मोल ऑफ NaHCO3, ये वाला 1/2 इंटू 100/84 Na2CO3. वाटर इज हाउ मच? 1/2 इंटू 100/84, दिस इज H2O. नाउ 1/2 इंटू 100/84, दिस इज फॉर CO2. बस कंप्लीट. आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वेट ऑफ Na2CO3 प्रोड्यूस्ड? तो देख सकते हो आप यहां मोल ऑफ Na2CO3, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 100/84. इसको हम लोग लिख सकते हैं मोल को, इट इज वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, और मॉलिकुलर वेट या फॉर्मूला वेट ऑफ Na2CO3 इज 106. दूसरा मोल ऑफ वाटर, इट इज ऑल्सो 1/2 इंटू 100/84. इसको आप लिख दो ऊपर वेट ऑफ Na2CO3. कंफ्यूजन बढ़ेगा. यहां देखो हाफ हाफ इंटू 100/84, सो दिस इज वेट ऑफ H2O अपॉन 18. नाउ मोल ऑफ CO2, CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ? दैट इज सेम 1/2 इंटू 100/84. इसको हम क्या लिख सकते हैं? आपको मोल दे दिया वॉल्यूम के टर्म्स में, सो दिस इज वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4. तो ये वाली जो वैल्यू हो गई, इट इज आंसर कैलकुलेट कर लो आप कि वेट ऑफ Na2CO3 ये आपका हो जाएगा, दिस इज 50, सो 50/84, इट इज 50/84 इज पॉइंट अप्रॉक्स 0.6. सो हम यहां लिखे देते हैं अप्रॉक्स 0.6 इंटू 106, इट इज 63.6. सो 50/84 इज नियरली कमिंग टू बी, दिस इज 0.6, यहां से दिस इज ऑल्सो 6, सो 18 इंटू 0.6, इट इज वेट ऑफ वाटर, इट इज अप्रॉक्स 10.8, एंड वॉल्यूम इट इज 0.6, 50/84 0.6 इंटू 22.4, इट इज 13.44. सो वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP इज अप्रॉक्स 13.44. तो हमने क्या लिमिटिंग रिएजेंट को आपको छोटे छोटे दो तीन टाइप के एग्जाम्पल कराए. और इसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट का मैं हम थोड़ा और कुछ बताने के बाद फिर वी विल स्विच ओवर द मॉड्यूल टू डिस्कस द थिंग्स. इन कॉन्सेप्ट को आप समझो और कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करो. लिमिटिंग रिएजेंट को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, इक्वलेंस रिलेशन. Thank you.